वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा और काफी शानदार रहने वाला है। वीडियो को टकटकी लगाकर देखिएगा एंड तक का, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। लेक्चर जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। स्टार्टिंग में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और फिर बाद में न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे। हर एक पॉइंट जो है वो ढंग से सुनिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से बने तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इस लेवल पर आप लोगों को जो है अपनी तैयारी करनी है। अगर लेक्चर सुनने के बाद में लगे यार इसकी तो पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए थी, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाना। तो टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ में सारे जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसी के साथ में पीडीएफ आप लोगों के लिए। और दो क्वेश्चन डेली मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक होता है करंट का और एक होता है स्टैटिक का। ठीक है, इनको लिखने के लिए भी आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप में जाइएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं रेगुलर, उनका भी आंसर देखिएगा, अपना भी आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप है ओनली जो एसएलवी फैमिली के हैं, उनमें उनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं है, बहुत सारे फेक ग्रुप बचे हुए हैं, उनसे आप लोग थोड़ा सतर्क रहना। ठीक है, तो एक ग्रुप है यहाँ पर ये जिसमें लगभग 1,43,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, जो कि जिसमें कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। दूसरा ओनली आंसर राइटिंग का है, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 51,000 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो इसका फायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एक दूसरे का एनालाइज कीजिए और फालतू की चीजों से बचिए। एक प्रोडक्टिव डिस्कशन आप लोग यहां पर बनाइए तो आप लोगों को ही फायदा देखने को मिलेगा। तो अच्छे से एंजॉय करना है। ठीक है, रेगुलर ये दो वीडियो होती है, अगर इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो मैक्सिमम करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा। पेपर उठाकर देखना और मेरे डिस्कशन को आप लोग बेसिकली उसके साथ में मैच करना, तो आप लोग समझ पाएंगे किस लेवल पर डिस्कशन किया जाता है। पेन और कॉपी को लेकर बैठना ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों को लगे यार ये तो नया पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना चाहिए, तो तुरंत आप लोगों की नोट डाउन कॉपी में बेसिकली नोट डाउन हो जाना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। दिन के स्टार्टिंग में ही अपना टारगेट रखिए कि क्या क्या आज हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने टारगेट रखा है उस टारगेट को इस वीडियो के नीचे लिखना कि हाँ हम लोगों का ये टारगेट है, और फिर इसके नीचे जाकर ये लिखना कि इतना अचीव हम लोगों ने कर लिया है। तो आप लोग इसको समझ पाएंगे कि कितना आप लोग रेगुलरली अपनी इफिशियंसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए 99% लोग ना अपने आप को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, वो अपना टारगेट ही नहीं बनाते हैं। जब टारगेट नहीं बनाते हैं तो उनको दिमाग को पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर रियलिटी में आप लोग को एक सुपीरियर पर्सनैलिटी बनना है तो उसके लिए आप लोगों को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा और हमेशा एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब आज टारगेट किया था यार इतना अचीव करना है, उसमें से हम लोगों ने आधा अचीव किया तो इरिटेशन हो गई, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या करना है, कोई नहीं आज 50% हुआ, कल थोड़ा इंप्रूव करेंगे ना 5%, ठीक है फिर 5% कल इंप्रूव करेंगे। तो अपने आप को इंप्रूव करते हुए चलना है और यही लाइफ जीने का तरीका भी होता है। अगर इस पैटर्न को जिंदगी में आप लोगों ने अपना लिया तो यार किसी भी दिक्कत में आप लोग नहीं पड़ेंगे, हमेशा अपनी लाइफ को आप लोग इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये हैं कुछ बातें, बाकी पहले एडिटोरियल देखेंगे और इसके बाद में मैं आप लोगों को न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन कवर करूंगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को लेक्चर को देखना है, वीडियो को एंड तक बहुत अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे उनके आंसर भी आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलेंगे। कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से अटेम्प्ट किए गए, जैसा मैंने बोला था ना कि अच्छे से आंसर देना, तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। जैसे कि यहाँ पर दो बच्चे आप लोग देखते हैं, जैसे कि नविया और इसी के साथ में द हंटर। अब हंटर पता नहीं किसका शिकार करने चले हैं, ये नाम इनका नहीं पता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने है जो जो मैंने पूछे थे, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने सारे क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बन दिया जाए यहाँ पर याद रखना, एंग्लो इंडियन जो है हमारी कंट्री में जिनको रिजर्वेशन दिया जाता था, ये 2019 में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन किया गया, उसकी वजह से अब यहाँ पर जो दो सीट होती थी ना रिजर्व एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, वो अब नहीं रहती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर हमारी कंट्री में गवर्नर को ओथ दिलानी है, यानी कि जो राज्य के अंदर गवर्नर होते हैं तो उनको ओथ दिलाता, उनको जो ओथ दिलाया जाता है तो चीफ जस्टिस जो रहते हैं हाई कोर्ट के, वो ओथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पर। बाकी न्यू क्वाड जो बना है उसके बारे में आप लोगों को बताया, पुराना क्वाड बना है उसके बारे में बताया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को होना चाहिए यहाँ पर इसके बारे में। लगभग हमारी कंट्री की बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री कितनी टच करती है, तो 4096 के करीब बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन ये 1985 में बनाया गया था। ठीक है, काठमांडू में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिम्सटेक के बारे में बात की थी, 1967 में बनाया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर मैंने आप लोगों को बताया अभी यहां पर। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, फ्यूमिनो कैसिदा। ठीक है, तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने अभी। इसी के साथ में एड्स जो है वो बीमारी है और एचआईवी जो है ये वायरस है। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर ध्यान से देखोगे
तो मैं सारे आंसर जो है वो आप लोग के टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा, ये देखिए, ठीक है, तो सारे आंसर आप लोग यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर जरूर दिया करो। आप लोगों को वीडियो आने के एक घंटे बाद कोशिश करनी है फटाफट आप लोगों को आंसर देने, ठीक है। तो काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी कि हाँ आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हो, ओके। आइए अब आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएम क्रॉप के बारे में बात की जा रही है। इशू थोड़ा सा एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया और हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों से अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर एक डायमेंशन से इस आर्टिकल को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। फिर से आर्टिकल यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में। देखिए बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले बहुत सारे आर्टिकल आते हैं तो आप लोग उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग की जब बजट आएगा ना एक घंटे, मतलब जैसे कि मान लीजिए बजट आने वाला है 3 दिन बाद में, दुनिया भर के आर्टिकल आएंगे, ठीक है, कि बजट में ये कर लो, बजट में वो कर लो, वो सजेशन रहते हैं ओनली, कोई नहीं क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से उन सजेशन के बारे में। नॉर्मली क्या होगा, बजट आ गया, अब आप लोगों के सामने पूरा डेटा है, पर लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन कौन सी होती है, बेसिक पर्पज क्या है, आखिर क्यों इतना इसके लिए हाउल्ला हो रहा है, तो वो बातें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यानी कि ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि कुछ नहीं पता आप लोगों को, कुछ ना कुछ आप लोगों को हर एक चीज के बारे में जरूर पता होगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ये बातें इसमें कवर करूंगा, अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे। ये बेसिकली यहां पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये बात कर रहा है हमारे देश में आज के डेट में फोकस देना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और उसके बारे में कैसे फोकस देना चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहां पर, ये अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर, ये आर्टिकल भी मुझे थोड़ा सा, मतलब वैसे तो पूरा आर्टिकल कर्नाटका के ऊपर है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर लेकिन एक पॉइंट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि यहां पर जो आर्टिकल है उसी से निकल कर आ रहा है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। और क्या इसकी थीम भी थी कोई, ये मैंने आप लोगों से नैनो मैगजीन में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो बताइए अभी हुआ क्या, यहां पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन यहां पर बेसिकली एक इवेंट था और उस इवेंट में यहां पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस है, ठीक है, जिसको आप लोग निमसा निमहंस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, कहां पर लोकेटेड है ये याद रखिएगा, जिसको आप लोग निमहंस बोलते हैं, ये बेसिकली यहां पर कई बार कई सारे इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देते हैं और मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये लोकेटेड कहां पर है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, हुआ क्या वहां पर, वहां पर पर्टिकुलर एक स्पीच दी गई, ठीक है। तो उस स्पीच में कुछ बातें सामने निकल कर आई, उस स्पीच में ये बोला गया कि आज की डेट में जो हमारा ग्रेट फैमिली सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो सेकंड जो टाइम मिनिस्टर यहां पर बने, अभी हेल्थ मिनिस्टर जो है कर्नाटका के, उनके द्वारा ये बातें बोली गई और उसके खिलाफ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। उन्होंने बोला जो वुमेन है आज के डेट में उसकी वजह से हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। रीजन क्या है इसका, रीजन उसमें कई सारे यहां पर बोले गए, जो रीजन है वो थोड़े से सुनकर आप लोग भी सरप्राइज हो गए, मतलब कि एक तरीके से वुमेन को चाह रहे हैं कि ये अपने हिसाब से नहीं, मतलब हमारे हिसाब से चले। तो वो बातें यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला बोला गया कि आज की डेट में जो महिलाएं हैं, महिलाएं के मतलब लड़कियां हैं जो बहुत सारी, वो नहीं चाहती है कि वो शादी करे, यानी कि वो अनमैरिड रहे, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करे। हमारी सोसाइटी में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, अगर कोई लड़का शादी नहीं हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि लड़के को ये बोल देते हैं कि हाँ लड़की की जॉब नहीं लगी इसलिए शादी नहीं कर रहे, मतलब दुनिया भर के रीजन मिल जाएंगे, लड़का शादी नहीं कर रहा है, भैया उसकी जिंदगी नहीं कर रहा है और नहीं भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है लड़का शादी नहीं कर रहा है। पर लड़की शादी नहीं कर रही है तो ये एक तरीका कलंक हो गया माँ बाप के ऊपर कि यार ये अपनी लड़की की शादी नहीं कर पा रहे, तो ये इज्जत बेइज्जती के ऊपर बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो बोला जा रहा है बहुत सारी लड़कियां जो है वो अनमैरिड है, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां जो है शादी करने के बाद भी उनको लगता है कि बच्चा पैदा करके करने क्या, क्यों, क्योंकि सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी, मतलब अपने देश में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, एक और बच्चा करके क्या कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी तो मैंने जनरेशन आगे बढ़नी रुक जाएगी, वो वाली चीजें रहती है टेंडेंसी, ठीक है। और पढ़े लिखे लोग भी यहां पर कभी बार ये देखते हैं कि घर में लड़का ही होना चाहिए, बिना लड़के की जिंदगी कैसे चलेगी। यार आप लोग धरती पे से चले जाओगे उसके बाद पता है इस धरती पे क्या होने वाला है, ठीक है। मान लो आप लोगों ने मतलब एक लड़का और पैदा करके अपनी जो जायदाद प्रॉपर्टी है उसके नाम कर भी दी, क्या कर लोगे, मतलब उससे, मतलब तुम्हारा क्या होने वाला है उससे बताओ, ठीक है। तो नॉर्मली आज के डेट में टेंडेंसी चेंज ये हो रही है कि ऑलरेडी इतने ज्यादा बच्चे ऐसे हैं आज के डेट में जो अनाथ बच्चे हैं, COVID-19 ने बहुत सारे बच्चों को अनाथ कर दिया, तो क्यों ना किसी बच्चे को गोद ले लें। तो इस तरीके की टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये वाली टेंडेंसी जो है इनको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया बहुत सारी लड़की ऐसी है जो सैरोगेसी फॉलो कर रही है बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब इनको ये है कि बच्चा जिस तरीके से पैदा होता है उसी तरीके से पैटर्न चले। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ चीजें आ रही है जिसके चलते अगर लगता है किसी को फायदा हो रहा है उसका, तो उसका फायदा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें इनके द्वारा बेसिकली बोली गई है, मतलब कि एक तरीके से एक जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो साफ साफ इनके लेक्चर में देखने को मिला अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो राइटर ये बोल रहे हैं यार एक औरत है, उसका खुद की बॉडी है, उसकी बॉडी पर उसका खुद का हक है, आप कौन होते हैं उन चीजों को इंटरफेयर करने वाले। तो उसके बारे में यहां पर ये बातें हैं बेसिकली, यानी कि वुमेन
के बारे में बात न करके एक तरीके से, उनके एम्पावरमेंट के बारे में बात न करके एक तरीके से उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये एक गलत तरीका है चीजों को प्रेजेंट करने का। किसी को शादी करनी है तो उसकी चॉइस होनी चाहिए उसको शादी करनी है नहीं करनी है। और इंटरेस्टिंग यहाँ पर जब डेटा की बात करूं अगर कर्नाटक के बारे में, तो अगर कर्नाटक से आते हैं तो ये डेटा आप लोग थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग कर्नाटक वैसे। तो कर्नाटक हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक स्टेट देखने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ में बॉर्डर टच करता है और यहाँ पर हो गया गोवा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये बोली है कर्नाटक के बारे में, अगर एनसीआरबी के हिसाब से चले यानी कि नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा यहाँ पर ये बोलता है कि कर्नाटक के अंदर में आज की डेट में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट द वुमेन, उनमें 30% रिसेंटली अभी इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी थी उससे 30% अभी बढ़ गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अगर आज के डेट में आप लोग बात करें तो जो यहाँ पर स्पाउसल जो वायलेंस होते हैं, स्पाउसल वायलेंस कैसे होते हैं, घर पर जो एक तरीके से हस्बैंड के द्वारा जो वायलेंस किए जाते हैं उसमें पहले 26% यहाँ पर थे, अभी बढ़कर यहाँ पर ये 44% हो गया है। यानी कि पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लाया गया था फोर्थ द्वारा, ये भी याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, पहले जो फोर्थ वाला था वो कब आया था और अभी पांच वाला कब आया ये आप लोगों को बता रहे हैं। तो फोर्थ वाले में जो ये क्राइम था यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक्टिविटी इस तरीके से एक दूसरे को मारपीट वाली चीजें, तो यहाँ पर ये 20% के करीब था, ठीक है, ये 20% है सॉरी, अभी ये बढ़कर यहाँ पर 44% हो गया है। तो उस कर्नाटक में जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है वहां पर ये बातें बोली जा रही है। तो वुमेन को सपोर्ट करने के कंपेयर में वुमेन को एक तरीके से सही तरीके से इंपावर करने के बजाय यहाँ पर ऐसी बातें बोली जा रही है। तो राइटर जो है इसको बाकी तो जो है कर्नाटक की पॉलिटिक्स के बारे में बातें करें तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल पॉइंट है, इनके लिए ऐसे नहीं नोट्स बनाने आप लोगों को, तो बेसिकली भी जनरल पॉइंट है, ठीक है, कि महिलाओं के हक के बारे में बात करें, उनके खुद के राइट है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे इस आर्टिकल के जो ये आर्टिकल हम लोगों ने देखा इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये जो साइड वाला आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बेसिकली ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात करेगा। तो अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में मैं आप लोग कई सारी बातें बताने वाला हूं। फिर से कोल क्राइसिस के बारे में आर्टिकल है, तो मैंने आप लोग कुछ पॉइंट बताए थे जो आप लोग को पता होना चाहिए। पॉइंट कौन कौन से थे, जैसे कि मैंने बोला था कि कोयले में क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहा है, बिजली हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कोयले की कमी से। तो याद रखना सबसे पहले तो कई जगह पर आप लोगों को जैसे COVID-19 की वजह से ब्लॉकेड देखने को मिल रहा था, ठीक है, उसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रहा था। दूसरा यहां पर अगर बात करें, दूसरा रीजन ना सप्लाई कर रहा था कि पानी बरसा, बहुत जगह पानी भर गया तो कोयला निकाल ही नहीं पाए, ठीक है। अभी तीसरा रीजन मैंने रिसेंटली अभी बताया था, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसकी वजह से कोयले को जो है वो सही लेवल पर सही डायरेक्शन में हम लोग लेकर नहीं चल पाए, ठीक है। तो ये कई सारे रीजन थे जो मैंने बताए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहां पर ये, तो ये आप लोग बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। ये केरला में बारिश हो रही है वो सब बातों के बारे में बात की जा रही है। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये दो आर्टिकल की और इसकी बातें मैं आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल में समझाता हूं जो कि आप लोगों को सुनना है, ठीक है। ये पिक्चर देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है, इस पिक्चर में बेसिकली यहाँ पर ये लड़का है, ठीक है, मतलब दोनों लड़के हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों लड़के आप लोगों को दिख रहे हैं। इन दोनों लड़कों के द्वारा शादी कर ली गई है, मतलब इनको ये लगता है कि इनकी फीलिंग जो है वो एक तरीके से ऐसी है कि हाँ एक दूसरे के लिए फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को अगर फीलिंग आ रही है तो हम लोग जो है बेसिकली ऐसा करेंगे कि हम बेसिकली क्या कि हाँ एक लड़का लड़की से और लड़की लड़के से शादी करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है तो यहाँ पर इस लेवल पर भी मतलब एक तरीके से अपनी जिंदगी को वो लेकर चल सकते हैं। तो इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होना चाहिए। और ये बातें कहां से निकल कर आती हैं, तो हमारी कंट्री में अगर आज के में बात करें एलजीबीटी या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में बात करें, फिर प्लस भी ऐड कर दिया गया आज के डेट में, तो अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि लेस्बियन हो गया, गे हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया और क्वीर हो गया। इनके एक तरीके से जैसे कि अगर मेल और मेल आपस में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, लड़की और लड़की आपस में फिजिकल रिलेशन बना रही है, तो यहां पर जो मेल और मेल बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको गे बोल देते हैं। लेस्बियन अगर लड़कियां लड़कियां बना रही है, बाइसेक्सुअल जो दोनों के साथ में रिलेशन बना लेता है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसजेंडर जो किन्नर कम्युनिटी होते हैं और विचित्र अलग प्राणी यानी कि जानवरों के साथ भी अगर कोई इस तरीके से रिलेशन बना ले, तो अलग अलग इंसान अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में अगर ये तो देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे केस देखने को मिले जिसके चलते अभी क्या किया गया, सेक्शन 377 जो था जिसको क्रिमिनल कैटेगरी में हम लोग रखते थे उसको अभी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। डीक्रिमिनलाइज मतलब आप लोगों को लगता है अगर आप लोग किसी की फीलिंग आ रही है लड़के की लड़के के साथ में, आयुष्मान खुराना के द्वारा अभी मूवी बनाई गई थी देखा ना आप लोगों ने, तो उसमें यही दिखाया गया कि ये भी एक फीलिंग होती है, जिसको फीलिंग नहीं आती है वो चीज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। जैसे कि मान लो कि आज की मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि यहां पर यार इस तरीके से लड़के के लिए फीलिंग है, तो ये एक नॉर्मल अगर बोला जाए इंसान तो उसको इस तरीके से फीलिंग नहीं होगी,
लेकिन अगर किसी को अलग से फीलिंग आ रही है कि लड़के को लड़के के लिए, तो वो उसकी अलग उसकी टेंडेंसी है, तो उसकी फीलिंग पे हम लोग अपनी फीलिंग जो पोज करें, यानी कि उसकी फीलिंग है, उसको लगता है कि एक लड़के के साथ में अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता, तो उसकी पर्सनल लाइफ हो गई ना ये। और यही पर्सनल लाइफ के बारे में बात की गई है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ही पूछा गया। के एस पुत्र स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस आया, इसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। आर्टिकल कौन से के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 21 कहां पर आता है? तो पार्ट थर्ड में आता है संविधान के अंदर में। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जो ये आर्टिकल आप लोगों को नजर आते हैं, इसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। और राइट टू लाइफ, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन पैदा हुआ है तो उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो गई है। अब वो किसके साथ में क्या रिलेशन बना रहा है, किसके साथ में रहना पसंद है, या फिर प्राइवेट बेडरूम में वो क्या कर रहा है, अगर आप लोग मान लीजिए इन पे केस भी लगाएंगे तो क्या चेक कर लोगे आप लोगों को जाकर चेक कर लोगे कोई अपने बेडरूम में क्या कर रहा है। तो इस तरीके से इसको ये बोला गया कि यार उसकी प्राइवेसी है, उसकी लाइफ है, उसको एंजॉय करने दो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सबसे पहले आया था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का केस, तो जिसमें 2009 में ये रूलिंग निकल कर आई। ठीक है, तो यहां पर जो जजमेंट निकल कर आया था इसमें बेसिकली बोला गया कि हाँ ठीक है यार इन सब चीजों को डिक्रिमिनलाइज करते हैं। ठीक है, फिर यहां पर सुरेश घोषाल जजमेंट आया, फिर यहां पर बोला गया नहीं इनको क्रिमिनल एक्टिविटी में डालते हैं। तो इसके चलते फिर आगे केस आया, ये काफी इंपोर्टेंट था, इस केस को 2014 में आप लोगों को देखने को मिला। भंडा यहीं से स्टार्ट हो गया था 2009 से, लिखने के लिए आता है तो यहां से केस को आप लोग लेकर चल सकते हैं, तब जाकर यहां पर ये सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया। यानी कि पहले यहां पर केस आया, फिर एक नेक्स्ट केस आया, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया। ठीक है, फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा बोलता हूं ना मैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला एक्ट 2014 का, उसमें क्या किया गया, थर्ड जेंडर बना दिया गया। नॉर्मली फॉर्म में आप लोगों को मेल और फीमेल देखने को मिलता था, अब यहां पर ट्रांसजेंडर भी आ गया यहां पर। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो राइट टू जेंडर आइडेंटिटी यहां पर इनको दिया गया, जो किन्नर कम्युनिटी होती है कि भाई साहब आपकी खुद की लाइफ है, अब नेचुरली पैदा हुआ है कोई किन्नर, उसमें उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन हम सोसाइटी में उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, इनके अलग थलग रखे हैं, तो उसके चलते दिक्कत हो गई। तो इसके ऊपर बात की गई। पुत्ता स्वामी केस है, इसने यहां पर इसके लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि पुत्ता स्वामी केस ने जब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, तभी मैंने कई सारे आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए थे, उस टाइम पर यह बोला गया अब इसका कैंसिल होना तय है। यानी कि नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि 2018 में आया, तो सेक्शन जो 377 था उसको बेसिकली क्या कर दिया गया, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी कि अगर आप लोगों को लगता है कि लड़का लड़के के साथ में, लड़की लड़की के साथ में, या फिर कैसे भी आप लोग एक दूसरे के साथ में, किन्नर किन्नर के साथ में रिलेशन बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर भी वही बात बोली गई जो ये वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई लड़की अगर चाह रही है उसको शादी नहीं करनी है। ठीक है, कोई लड़की चाह रही है, एक तरीके से चाह रही है, उसको एक तरीके से बच्चा पैदा नहीं करना है, तो यार उसकी बॉडी है, उसको ये हक होना चाहिए। ठीक है, उसको फील उसकी बॉडी उस चीज के लिए नहीं, उसको यूज करनी है तो उसकी बॉडी है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उसके साथ में जबरदस्ती करोगे, तो इससे जच्चा और बच्चा दोनों को दिक्कत होती है। तो उसकी बॉडी उसके राइट वाली बात आ जाती है, और ये उसका प्राइवेसी वाला भी इशू हो गया। तो केस पुत्र स्वामी के बारे में बात करें तो उसका हक है उसकी बॉडी के ऊपर। यार आप लोग कोई बोलने लगे कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी बॉडी में ये चेंजेस करा लो, आप लोग तेरा दिमाग खराब हो गया, क्यों करा लो चेंज, मेरी बॉडी है भाई साहब, मैं कुछ भी करो अपनी बॉडी के साथ में। ठीक है, आप लोग कई बार टैटू करा लेते हो बॉडी के ऊपर, कोई रोकता आप लोगों की टैटू को आप लोग। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, कई सारे लोग शौकीन होते हैं इन चीजों को, पूरी बॉडी पर टैटू करा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन चीजों से बेसिकली इंसान की खुद की बॉडी पर इंपैक्ट पड़ेगा, अगर कुछ अच्छा पड़ रहा है कुछ बुरा कर रहा है, तो हम लोग कौन होते हैं उनके बारे में बोलने वाले। तो ये 5 केसेस के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये 5 केसेस अलग अलग भी क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। मान लीजिए आप लोगों से ये पूछा अभी आर्टिकल 21 में आता है राइट टू प्राइवेसी, अब ये पूछ लेता कि कौन से केस के द्वारा हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी आया बेसिकली, तो केस पुत्ता स्वामी केस के तरीके, नवतेज सिंह जोहर ने किसको डिक्रिमिनलाइज किया, तो सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया। ठीक है, हमारी कंट्री में जेंडर जो बात करें ट्रांसजेंडर को, थर्ड जेंडर केस ने बनाया, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले एक्ट ने बनाया। तो ये एक्स्ट्रा अगर आप लोगों से क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछ लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हर एक तरीके से तैयार रहना चाहिए, अपने उन्हें कहते हैं बंदूक लेकर तैयार रहना चाहिए युद्ध के लिए। एक टीचर थे मुझे जो 12th में पढ़ाया करते थे, मतलब फिजिक्स पढ़ाते थे, बड़े प्यारे टीचर थे, वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि हमेशा अपनी जंग की तैयारी ऐसे रखो कि आप लोगों के सामने ना, मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब एक पेपर हल्का आएगा तो हम कर ही लेंगे, मतलब कैसा भी पेपर आए चारों तरफ से आप लोग अपने धनुष बाण तैयार रखने चाहिए कि भाई साहब आते ही बस हम ना अटैक कर देना है। ठीक है, तो वो वाली टेंडेंसी होनी चाहिए, तो हल्का नहीं पड़ना है बेसिकली। तो ये वाली बातें की जा रही है। तो दोनों आर्टिकल अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो आर्टिकल में बेसिकली क्या बातें बोली गई, आर्टिकल में ही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि हम लोगों को इन चीजों के बारे में समझना चाहिए। अभी क्या हो रहा था साउथ इंडिया में कुछ चीजें ऐसी जगह देखने को मिल रही है कि सेक्सुअल के नाम पर, जैसे कोई एलजीबीटी कम्युनिटी का अगर कोई बंदा है, इंसान है, ठीक है, तो सोसाइटी में उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में भी यहां पर अभी कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में, अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है उस एरिया में, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है, कि उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्ट करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो। जब ऑलरेडी उनको प्रोवाइड करा दिया गया है कि हम लोगों ने केस पुत्र स्वामी केस के बाद में कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहा है तो अब ये उसकी खुद की लाइफ है, तो आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। ये नहीं कि आप लोग बोलो कि लिविंग रिलेशनशिप तो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, अब ये सोसाइटी का पार्ट हो चुका है। इसीलिए हमारी कंट्री में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो बिल नया अभी लाया गया था, जो एक्ट लाया गया 2021 में, उसमें पहले क्या था, कोई अनमैरिड इंसान ही, मतलब इंसान नहीं मतलब मेल नहीं, अनमैरिड फीमेल ही अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती। मतलब एक तरीके से ही माना जाता कि अनमैरिड फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पर उसके एक्ट के अंदर ही चेंज नहीं किया गया। तो 1971 में वो एक्ट था, तो अभी उसके अंदर चेंज किया गया कि आप लोग अगर एक तरीके से कपल अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो भी अगर चाहते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना तो उसको भी अलाउ किया गया यहां पर। तो रीजन क्या था यहां पर, सीधा सीधा रीजन यही निकल गया ना यहां पर कि इंसान जो है अब यहां पर इसको अलाउ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पहले यहां पर अनमैरिड था, अब यहां पर कर दिया कि कोई भी पर्सन अपना उसको टर्मिनेट करा सकता है। तो उसमें अब अनमैरिड भी कवर हो गए, पहले अनमैरिड कवर नहीं होते थे, ठीक है। तो वो वाला दिक्कत देखने को, क्यों, क्योंकि अब लीगल रिलेशनशिप को भी यहां पर वैलिड करार दे दिया गया कि उसकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जी सकता है। तो ये वाला फंडा यहां पर निकल कर आया। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से अब आंसर लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। तो अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। आइए अब आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोगों को समझने में भी आएगा, और ये ऐसे आर्टिकल आप लोगों से साइंस एंड टेक के अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, और ऐसे आर्टिकल से आप लोगों से डायरेक्ट भी कुछ, अगर आप लोग जैसे कि किसान के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में बन जाते हैं कि जीएम क्रॉप को लेकर आप लोग क्या समझते हैं। जीएम क्रॉप का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये जो टोकरी आप लोगों के सामने है इसमें एक ही तरीके की, मतलब इसमें एक ही सब्जी है जिसका नाम है बैंगन। अब ये बैंगन जो है, यहां ये वाला बैंगन है एक अलग कलर का, ये लंबे वाला बैंगन है, ये ग्रीन वाला बैंगन है, ये ब्लैक वाला बैंगन है। तो बैंगन की अलग अलग वैरायटी होगी। तो ये जो बैंगन की अलग अलग वैरायटी हुई ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा रीजन है यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कुछ लोकल क्रॉप। तो यहां पर अलग अलग साइज की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अब यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है और ये न्यूज में क्यों है, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फिर आप लोगों को आगे बताता हूं, ठीक है। पहले तो यहां पर ये समझिए न्यूज में क्या है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये बोला गया कि अभी हमारे देश से 500 टन के करीब यहां पर जो राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस थे, और उनको यहां पर बेसिकली एक्सपोर्ट किया गया यूरोपियन यूनियन के अंदर में। तो इसके चलते वहां पर दिक्कतें देखने को मिली है। जब वहां पर चेक किया गया यूरोपियन में जो कमीशन है उसके द्वारा, तो उसने अलर्ट इश्यू कर दिया गया कि यहां पर इस राइस को यूज मत करना, ये जो राइस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का राइस है, ये नेचुरल नहीं है। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो हमारे देश से काफी लार्ज स्केल पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, नीदरलैंड, रसिया, इटली, बेल्जियम, जर्मनी। तो यहां पर हमारी कंट्री की इमेज जो है वो काफी खराब हुई यहां पर, और अभी आप लोगों से मैं बात करूंगा न्यूज एनालिसिस के अंदर भी। अभी ये एक्सेप्ट, पहले तो इंडिया के द्वारा बोला गया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, हमारी कंट्री में जीएम क्रॉप उगाई नहीं जाती है, पर लेकिन अभी यहां पर देखने को मिला महाराष्ट्र से यहां पर ये निकल कर आई, ठीक है। ये क्रॉप जो थी महाराष्ट्र से निकल कर आई, और अभी ट्रायल बेसिस पर हम लोग इनको खेतों में बेसिकली यूज कर रहे हैं, यानी कि ट्रायल बेसिस पर उगा रहे हैं। पर लेकिन लोकल एरिया में क्या चल रहा है हम लोग उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7th शेड्यूल के अंदर, तो 3 लिस्ट रखी हुई है, सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्टिनेंटल लिस्ट होगी, और एग्रीकल्चर जो कहां पर आता है वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रही थी वो एक तरीके से झूठी साबित हो गई, क्यों, क्योंकि यहां पर चल गया कि हमारे देश से इसको एक्सपोर्ट किया गया था। तो मैंने कल आप लोगों को आर्टिकल में बोला था ना कि मैंने कहा यहां पर हो सकता है कुछ और भी दिक्कत हो रही हो, कुछ और दिक्कत नहीं थी, हमारे देश में घपलेबाजी यहां पर की गई इसको लेकर, ठीक है। अभी समझेंगे थोड़ी सी बातें, पहले आप लोग ये समझिए जीएम क्रॉप लाते क्यों है। नॉर्मली ये वाली है हमारी कंट्री कन्वेंशनल क्रॉप, ये है यहां पर जीएम क्रॉप, ठीक है। तो जीएम क्रॉप में तो पैदावार काफी शानदार होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नॉर्मल जो क्रॉप रहती है उसमें कई तरीके आप लोग कीट पतंगे लगते हुए नजर आ जाएंगे, पर जीएम क्रॉप आप लोगों को बिल्कुल चिट्टी क्लीन एंड क्लियर देखने को मिलेगी, उसमें कोई भी आप लोगों को बीमारी लगती हुई नजर नहीं आएगी। आखिर ऐसा क्या कर देते हैं उसके अंदर, क्या अलादीन का चिराग लगा देते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं लगती है। तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया है बेसिकली अगर बात करें, बैक्टीरिया से भी यहां पर बेसिकली उसका एक तरीके से डीएनए निकाला जाता है, और डीएनए निकालकर उसकी क्लोनिंग करके डिजाइन किया जाता है यहां पर बेसिकली जो फसल है, और फिर यहां पर इसके अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म करकर जब आप लोग एक प्लांट बनाते हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि कल को इसके यहां पर, जैसे कि अगर बात करूं मैं बीटी यहां पर ब्रिजल के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि बात की जा रही है ये बेसिसलेस थेरिजेनेसिस, ठीक है। तो यहां पर जिसको बीटी बोलते हैं ना, बीटी जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, तो बीटी का मतलब होता है यहां पर बेसिलियस थेरिजेनेसिस, ठीक है। तो यहां पर इसको लेकर बेसिकली जब यहां पर जब बीटी जीन इंसर्ट किया जाता है क्रॉप के अंदर में, यहां पर ये तो इसको जब क्रॉप के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलती है, जो यहां पर ये जो खासकर जो फसल को बर्बाद करता है ये कीट पतंगा जब इसको खाता है आकर, तो इंटरेस्टिंग वे यहां पर ये क्रिएट कर दिया गया कि जिस फसल को खाकर
जिंदा रहता था, अब उसी फसल को अगर ये खाएगा तो ये मर जाएगा। यानी कि उसके अंदर पहले अगर नॉर्मली थी तो ये फसल को आराम से एंजॉय से खाता था, पर लेकिन अब वो फसल ही उसके लिए जहर बन गई है, तो इस तरीके का इसके अंदर चेंज किया गया। तो ये यहां पर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर आएगा। तो जो क्रॉप होती है उसके अंदर एक तरीके से जीन इंसर्ट किया जाता है आर्टिफिशियली, और उसके बाद में यहां पर क्रॉप तैयार की जाती है। ठीक है, तो जैसी प्रॉपर्टी चाहिए, आप लोगों ने देखा रेडीमेड बेबी की बात की जाती, अगर किसी को बच्चा चाहिए कि हाँ इस इंसान के जैसा बच्चा होना चाहिए मेरा, ठीक है, कोई बोले यार मेरा बच्चा जो है वो एक तरीके से नहीं अमिताभ बच्चन जैसा होना चाहिए, कोई बोले मेरा ऋतिक रोशन जैसा होना चाहिए, कोई बोले मेरा सलमान खान जैसा होना चाहिए, या कोई बोले किसी के जैसा कि किसी को मोहल्ले पड़ोस वाला कोई इंसान पसंद आता है मेरा बच्चा इसके जैसा होना चाहिए। तो रेडीमेड बच्चे बनाने की बात की गई थी कि इसके जैसे बाल होंगे, इसके जैसे हाथ होंगे, इसके जैसी हाइट होगी, इसके जैसी कदकाठी होगी, तो ऐसे बच्चे बनाने की यहां पर बात की गई। ठीक है, और यहां पर ऐसा नहीं कि मेल की बात करूं, फीमेल में भी अगर कोई लड़की बनानी है किसी को अपने बच्चा मेरी बच्ची ऐसी होनी चाहिए तो उसको रेडीमेड कर सकता है, ऐसा यहां पर बेसिकली आज के डेट में लेवल पहुंच चुके हैं। तो जब बच्चों के बारे में बात करें तो ये तो फिर भी क्रॉप तो फिर भी बहुत छोटी चीज होगी, तो क्रॉप को भी उसी तरीके से मॉडिफाइड किया जा सकता है, कितने पानी की जरूरत होनी चाहिए, कितने यहां पर टेंपरेचर को ये सर्वाइव करे, क्या क्या कीट पतंग यहां पर इसमें न लगे, तो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो बोला जा रहा है आर देयर अदर जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, हमारी कंट्री में बेसिकली बीटी ब्रिंजल एक ऐसी क्रॉप है जिसको अब तक अलाउ किया गया। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में दूसरी क्रॉप नहीं है, तो इंडिया जो है फर्स्ट जीएम क्रॉप मैंने अभी बताया यहां पर, तो सॉरी बीटी ब्रिंजल बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन बेसिकली यहां पर अलाउ किया गया। ठीक है, जिसको कमर्शियलाइज तेरर पर भी हम लोगों ने काफी ज्यादा यूज किया, क्योंकि पिंक बोलवर्म तो था यहां पर वो काफी लार्ज स्केल पर चीजों को बर्बाद करता था, और यहां पर मोनसेंटो करके यहां पर बेसिकली ये कंपनी थी जिसके द्वारा चीजों को रिलीज किया गया, और हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर कॉटन की पैदावार बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जब आप लोग लेकर आते हो तो इसका मतलब ये होता है कि काफी लार्ज स्केल पर अब बीमारी नहीं लग रही, इसके अंदर पानी की कमी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, एक तरीके से टेम्परेचर भी घट बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीजें आप लोगों के सामने है। ठीक है, अगर आगे बात करें यहां पर, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा पॉइंट किया गया कि जो जीएम राइस है, ठीक है, हमारे देश में वो उगाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन यहां पर यह भी बोला गया साथ साथ कि हमारे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो ये इनके द्वारा बोल दिया गया। ठीक है, ताकि जो फूड सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर जो कंट्री है, ठीक है, हमारी इमेज खराब की जा सके और हमारा एक्सपोर्ट ना हो, कोई और एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो पर लेकिन चिंता का रीजन बन गया किसानों के लिए भी। ठीक है, तो किसानों के लिए चिंता का रीजन बन गया, इसी के साथ में जो ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट है उनके लिए यहां पर, तो इस तरीके से अगर यहां पर जीएम क्रॉप अगर अलाउ की जा रही है तो यहां पर क्रॉस कॉन्टेमिनेशन भी देखने को मिल जाता है कई बार, यानी कि हमारी कंट्री में अभी फिलहाल ट्रायल के तौर पर उगाया जा रहा है, उनको बोला तो यह क्या था ट्रायल के तौर पर उगाया जा रहा है, पर लेकिन उसको क्या किया, वो ट्रायल वाले को हम लोगों ने बेसिकली शिपमेंट में भरा, उसको जहाज में और यूरोप पहुंचा दिया कि हाँ तुम खाओ और बताना कैसा लगा है, यानी कि अपने देश में यूज नहीं कर रहे उनको खिला दिया। ठीक है, इससे पैसा का पैसा मिलेगा उनको, मतलब एक तरीके से पैसा है सारा रीजन। तो 18 मिलियन टन जो है लगभग 65,000 करोड़ की व्यापार हम लोग करते हैं, 75 कंट्री में अपना चावल बेचते हैं, तो सोचिए अगर इस तरीके की हरकतें यहां पर हो गई तो हमारी इमेज जो है वो कितनी खराब यहां पर होने वाली है, तो उसके चलते यहां पर सारी चीजें भी देखने को मिल रही है। तो ये तो इसके बारे में बातें हो गई, कुछ और जीएम क्रॉप के बारे में बात बता दूं, बीटी कॉटन जो है ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो हमारी कंट्री में अलाउ की गई, और सोयल बैक्टीरियम जिसका नाम बताया मैंने अभी आप लोगों को, यह है बेसिलियस थ्रीजेनेसिस। ठीक है, तो इसको बीटी बोलते हैं, तो बीटी था यहां पर, तो पिंक बुलवर्म जो था यहां पर, ये बेसिकली जो पेस्ट था जिसके खिलाफ यहां पर ये मतलब बनाया गया था ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके क्रॉप को। हमारी कंट्री में लीगल पोजीशन अगर कोई देता है तो वो कौन है, तो जेनेटिकली जो यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी है जिसको जीईएसी आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर काम करती है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो यूज करती है यहां पर अनअप्रूव्ड जो भी यहां पर जीएम वैरायटी जो है उसके बारे में बात करें, और एक तरीके से अगर कोई यहां पर पाया गया कि अनअप्रूव्ड जीएम यहां पर यूज करता हुआ पाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके चलते 5 साल की जेल और 1,00,000 रुपए फाइन लग जाएगा अगर कोई यहां पर बिना अप्रूव्ड किए हुए उसको यहां पर खेतों में उगाता हुआ पाया गया। तो अभी चावल की जो वैरायटी यहां पर जिसने यहां पर बेसिकली उगाई है, हमारी कंट्री में अप्रूव्ड है नहीं, पर फिर भी हम लोगों ने उसको ले जाकर दूसरे देशों में बेच दिया, ये हमारी कलाकारी है। ठीक है, तो ये कलाकारी के चलते अब उसको सजा मिलेगी जिसके द्वारा ये हरकतें की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, ये क्वेश्चन आप लोगों से मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बन सकता है। ठीक है, इसको आप लोग बताएगा, थोड़ा सर्च कर लेना, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मेहनत भी कर लेनी चाहिए, सारी मेहनत मेरे से कराओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल बता दूंगा फिर आंसर बताऊंगा, तो ठीक है, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो बेसिकली वो है यहां पर, जो मैंने अभी एक कमेटी का नाम आप लोगों को बताया, मतलब एक तरीके जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी है इसका नाम मैंने बताया, ये जो जेनेटिकली ये जो बेसिकली यहां पर बनाई गई थी, ठीक है,
पहले यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई गई थी बेसिकली, ये आप लोगों को बताना है इसको किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में रखा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ओके। तो अगर बात करें रेगुलेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आज की डेट में ऐसा नहीं है कि यही काम कर रही है, अब कुछ बातें यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी दे दी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2006 में बनाई गई। तो इसको भी कई सारी चीजों में फोकस देने की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि अब यही काम कर रही है, पहले तो ये थी, अब यहाँ पर ये भी है, ठीक है। जैसे नहीं कहता है अब आप लोग एक एडवर्टीजमेंट याद आ गया, मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर कि अजय देवगन जो है वो कमला पसंद की बेसिकली एड किया करता था, ठीक है। अभी शाहरुख खान ने बोला हाँ मैं भी कमला पसंद, ठीक है, मैं भी, हाँ तुम नहीं बस मैं भी, ठीक है। तो वही बात मुझे याद आ गई अभी, तो शाहरुख खान के साथ साथ में मतलब अजय देवगन जो है वो भी अब यहाँ, मतलब अजय देवगन के साथ साथ में शाहरुख खान भी कमला पसंद का एड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि यही ये बोल रहा है कि तुम नहीं मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। तो ऐसी हरकतें हैं, मतलब इतना पैसा होते हुए यार थोड़े से पैसे के लिए, मतलब इस हरकतें एक रियलिटी में अंदर से हर्ट करती हैं यार ये चीजें। मतलब लोगों की हेल्थ के बारे में न सोचकर आप लोग बस अपने पैसे के बारे में सोच रहे हो, आखिर कहाँ जाओगे इतना पैसा लेके, ठीक है। ठीक है आप लोगों की जिंदगी सही चल रही है, आप लोगों के खर्चे ज्यादा हैं, सही आप लोगों को पैसे चाहिए, लेकिन कुछ तो सोचो कि जिन लोगों से आप लोग पैसा कमा रहे हो उन्हीं लोगों की आप लोग जान लेने पर तुले हो, तो ये थोड़ा सा मतलब क्या ही बोलूं। बस इशू के बारे में बात करें तो कई सारे इशू इन्वॉल्व है। एक तो बायोडायवर्सिटी को थ्रेट करता है, मान लीजिए कल को चलकर हम लोग ये क्रॉप जो है उगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि जो भी आप लोग आज के दिन में उगा रहे हो खेतों में, वहां पर अगर कल को चलकर आप लोग एक तरीके से यहाँ सुपर वीड क्रिएट होगी, ऐसी ऐसी जाति क्रिएट होगी कि नॉर्मली जो आप लोग दवाइयां यूज कर रहे हो उससे इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा उनके ऊपर, ठीक है। तो इसके चलते देखने को मिलेगा, तो एलिमिनेट कर देगा इंपॉर्टेंट स्पीसीज कई सारी यहाँ पर हमारे, इसमें से जो फूड चेन होती है ना, मान लीजिए आप लोग पहले घास है, फिर हिरन आ गया, फिर यहाँ पर एक तरीके से नहीं खरगोश आ गया, फिर उसमें यहाँ पर शेर आ गया उनको खा रहे हैं, तो जो फूड चेन होती है उसमें से अगर एक भी एलिमिनेट हो गया तो ये एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाएगा। न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में बात करें, इनको खाने के बाद में कई जगह ये देखने को मिला कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगा, यानी कि जो दवाइयां आप लोग खाते थे अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अब वो दवाइयां अगर खा रहे हो तो आप लोगों की हेल्थ को इंप्रूव होगी नहीं, आप लोगों की उस दवाई से इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, आप लोगों को हाई लेवल का डोज लेना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। इसी के साथ में इंप्लीकेशन है यहाँ पर, ये बेसिकली कंज्यूमर के लिए भी और फार्मर के लिए भी। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट क्या बेकार घटिया चीज आप लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पर ये जो वैरायटी तैयार की जा रही है, ये वैरायटी फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग आज के में क्या करते हैं, जैसे मुझे पता है हम लोग खेतों में गेहूं उगाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने खेतों में गेहूं उगाया, मान लीजिए 8 बीघे खेत में हम लोगों ने गेहूं लगा दिया, अब 8 बीघे खेतों में हम लोग गेहूं लगाया तो जितने यहाँ पर उगाया फिर उसमें खाया कुछ, जितना बचा उसको बेच दिया मार्केट में ले जाकर, अब उसी में से हम लोग अपना बीज रख लेते हैं अगली फसल उगाने के लिए कि भाई साहब ये बीज हो गया इसको हम लोग यूज करेंगे खेतों में, तो ऐसा नहीं कि मार्केट से जाकर हम लोग बीज लेकर आ रहे हैं, पर लेकिन इस क्रॉप में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, हर बार आप लोगों को मार्केट से जाकर ये क्रॉप खरीदनी पड़ेगी इसका बीज जो है बेसिकली। तो ये एक तरीके से डिपेंडेंसी हो गई उन पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर जो यहां पर ये एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो गई जैसे अंग्रेजों के टाइम पर, तो ये वाली दिक्कत यहां पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर बातें की गई, तो ये कई सारे प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आई। इसी के साथ में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करें तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए यहां पर, अगर इनको कंट्रोल करना है। अब यहां पर फॉरवर्ड की बात करें हम लोग यहां पर क्या क्या कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि किसान तो इसको बेसिकली चेक नहीं कर सकते, ठीक है, कि कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसको साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि अनअप्रूव्ड वैरायटी अगर जीएम क्रॉप की आती है, ठीक है, तो मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अनअप्रूव्ड है अभी। तो जेनेटिकली जो यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो काम करे, कोलैबोरेट करे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, नेशनल वाइड इन्वेस्टिगेट करे अगर ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में एक्शन लेना चाहिए अगर कोई ऐसे यहां पर इसको यूज करता हुआ पाया गया, इन्वेस्टिगेट करे, प्रोसिक्यूट करे, क्योंकि इलीगल हमारे देश में ऐसा कुछ करना, और एनकरेज करे ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैसे कि अभी बहुत सारे राज्य कर रहे हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी कंट्री का एक राज्य भी जिसको ये खिताब मिला वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य था। पता है आप लोग उस राज्य का नाम क्या है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, बहुत बार बता चुका हूं, कल फिर बता दूंगा जब आंसर बताऊंगा तो, ठीक है। देखिए जो भी नया बच्चा देख रहा होता है ना वो टेंशन मत ले लीजिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये पढ़ा रखे हैं आप लोगों ने नहीं सुने, ठीक है। जैसे आगे आगे आएंगे सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। बाकी कनेक्ट रहिए आप लोग, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोग वहां पर अगर एक दिन तक अगर रुका नहीं जाता नेक्स्ट डे तो आंसर बताऊंगा ना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो आज ही देखना स्टार्ट किया, आप लोग लिख दिया करो, जो न्यू है ना जो फर्स्ट टाइम अभी देख रहा है न्यू एंड लिख दिया करो आप लोग, ठीक है। तो वैसे मैं इसी तरीके से लेकर चलता हूँ, चाहे पुराना हो चाहे नया बच्चा हो उसको दिक्कत ना हो कुछ, ठीक है। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना, ऐसे टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा पेशेंस रखकर सुनो, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने लगेगी। तो गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया, कमर्शियलाइजेशन जो रिकमेंड किया जाता है ओनली जो यहाँ पर डीप रिसर्च के बाद में, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस ऐसे ऊपर ऊपर से काम कर लिया, पता चला आगे चलकर जैसे कि जानवरों को जब यहाँ पर मैंने आप लोगों से पहले आर्टिकल डिस्कस किए थे, जो यहाँ पर जो बीटी कॉटन लाई जा रही है उसके अंदर से जो बेसिकली बिनोले निकाले जाते हैं, लोकल भाषा बिनोले बोलते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो हाँ जानवरों खिलाए जाते हैं तो उसके चलते जो भैंसे हैं जो गाय हैं उनको दिक्कतें देखने को मिलने लगी थी। इनके ह्यूज लेवल पर इंपैक्ट है क्योंकि आप लोग नेचर के तरीके से नेचुरली उसके अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारी बातें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पर यानी कि COP26, तो COP26 अभी यहाँ पर होने वाला है। ये बहुत ज्यादा हाहुल्ला यहाँ पर हो चुका है। तो इसके बारे में पहले बात करो आप लोगों से, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पर ये 31 से लेकर 12 नवंबर तक चलने वाला है। और बेसिकली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, यहाँ पर इसका टारगेट क्या रहने वाला है। एक तो बेसिकली बात करें 2050 तक का नेट जीरो एमिशन हम लोगों को करने हैं, यानी कि जितना हम लोग आए पेड़ काट रहे हैं उतने ही पेड़ हम लोगों को लगाने हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बेसिकली पेड़ काटने बंद कर देने हैं, ये नहीं बोल रहे हैं यहां पर, यानी कि जितने पेड़ काट दिए उतने लगाओ भी, तो ये वाला फंडा बेसिकली यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते नेट जीरो के ऊपर फोकस किया जा रहा है और 1.5 डिग्री को ही हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है अडॉप्ट करें, प्रोटेक्ट करें कम्युनिटी और नेचुरल हैबिटेट को, जो भी यहां पर है, मोबिलाइज करें फाइनेंस, इसी के साथ में वर्क करें मिलकर, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो साइन किया गया था उसको लेकर चले, और नेशनली डिटरमाइंड जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है उसको भी अपडेट करें थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। मेनली फोकस रहने वाला है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 थी यहाँ पर, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी 2015 में। तो उसमें जो भी बातें की गई थी कि हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना है, 100 बिलियन पर ईयर हम लोग को इकट्ठा करना है पैसा 2020 तक का, जबकि किसी ने दिया नहीं यहाँ पर पैसा, तो दिक्कतें देखने को मिली। तो यानी कि जो अमीर कंट्री है पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम यानी कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक का अगर आप लोग देखो तो टेम्परेचर आप लोगों को यहाँ पर कम करना है, 2 डिग्री तो करनी है और 1.5 कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 हमारे देश में हुई थी यहाँ पर, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके द्वारा फोर्स किया गया जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए कि पुअरेस्ट कंट्री को यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए जो कि अमीर कंट्री है, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है टेक्नोलॉजी यहाँ पर उनके पास में। ठीक है, पहली जो सबसे हुई थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 थी, ये बर्लिन जर्मनी के अंदर में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 3 थी वो क्योटो के अंदर हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग जानते ना कहां पर है, जापान के अंदर में। ये लीगली बाइंड जो डेवलपमेंट देखने को मिला कंट्री में कि एमिशन को कैसे टारगेट आप लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में कोटवाइस जो पोलैंड के अंदर देखने को मिली यहां पर, ठीक है, इसके अंदर कोई ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली, थोड़ा कुछ काम किया गया कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को और फोकस देकर चलना है। और यहां पर जो लास्ट वाली हुई थी स्पेन के अंदर, इसमें तो कुछ किया ही नहीं गया बिल्कुल। ठीक है, अब बात करें 2020 में COVID-19 ने होने नहीं थी, तो अभी यहां पर जो नेक्स्ट होने वाली है उसमें सब कुछ मिलजुल कर एंजॉय करने वाले हैं, तो उसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल आ रहा है मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला था कि आप लोग थोड़ा सा इनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहां पर कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही है उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, पर लेकिन फिर भी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है पर्सनली मुझे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा, बेसिकली अगर आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस जैसे आज की डेट में अगर आप लोग बात करें पुराने टाइम के साथ में कंपेयर में, तो काफी बड़ा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। इसमें बेसिकली ये बातें बोली गई कि आज की डेट में अगर आप लोग कंपेयर करोगे, जब उस टाइम पर हम लोग जंगलों में रहा करते थे उस टाइम पर हमारे हथियार कैसे हुआ करते थे, ऐसे कुछ हथियार देखने को मिलते थे, पत्थरों के हथियार, पत्थरों की कुदाली वगैरह, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, हम लोग अपना जीवन व्यापन करते थे यहाँ पर इन चीजों के ऊपर, मतलब एक तरीके से ऐसा हमारी जिंदगी जीने का तरीका हुआ करता था। ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा, मॉडर्न टाइम में हम लोग बढ़े, मॉडर्न टाइम में कुछ टैंक वगैरह ऐसे आ गए, कुछ ऐसे आज के डेट में और ज्यादा अपडेटेड आप लोगों को इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर लेकिन आज की डेट में हम लोग और अच्छे लेवल पर आ गए। वो अच्छा लेवल क्या है, वो अच्छा लेवल है यहां पर ये वाला जिसको साइबर वारफेयर बोलते हैं, यानी कि आज की डेट में आप लोग ये टैंक हैं, ये हथियार हैं, ये काम नहीं करने वाले हैं। अगर कोई साइबर वॉरफेयर की चपेट में आएगा तो यहां पर एक अलग ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीजें जो है उस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप लोगों को हेल्थ की सर्विस चाहिए तो आप लोगों के पास में प्रक्टो ऐप आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में बैंकिंग की सर्विस चाहिए तो सारे ऑनलाइन बैंकिंग ऐप आप लोगों के पास में आ चुके हैं। फूड के बारे में आप लोग कुछ करना है, फूड डिलीवरी के बारे में आप लोग जाकर ऑनलाइन जो है जोमेटो वगैरह ये सब चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह हो गया। ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो उबर हो गया या फिर आप लोग बोल सकते हैं ओला हो गया, इनको आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम रिसर्च इसके लिए आप लोग देखते हैं, सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में स्पेस में आप लोग बात करें, डेटा के बारे में बात करें, एनर्जी के बारे में बात करें, महाराष्ट्र के अंदर अभी क्या हुआ, साइबर अटैक किया गया यहां पर, और उसके चलते यहां पर काफी लंबे समय तक जो बिजली है वो कट रही, फिर बाद में पता चला कि चाइना का कोई हैकर था जिसके द्वारा ये हरकत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलने लगी। ठीक है, पानी अगर प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके चलते मीटरिंग की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, ठीक है, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी हर जगह आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। पर क्या आप कभी सोचा आप लोगों ने कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग इतने लार्ज स्केल पर यूज कर रहे हैं
क्या उस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं उस लेवल पर। कल को चलकर जरा सी देर में अगर किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर में हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि यहाँ पर चीजों को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, तो किस तरीके से उस एरिया में काफी लंबे समय तक बिजली नहीं रहेगी। तो ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि आज अगर आज के डेट में एक साइड में चाइना है, एक साइड में यहाँ पर इंडिया है, अगर आमने सामने लड़ रहे हैं खड़े हो गए तो ये आज के डेट में आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद होने वाला है। यानी कि आमने सामने कोई नहीं लड़ेगा, पहले क्या होता था ग्राउंड पे जाकर लड़ो और एक दूसरे की कितने सैनिक आप लोगों ने मारे तो उसके बेस पर आप लोगों की जीत डिसाइड होती थी। पर लेकिन अब जो आप लोग जीतोगे ना, ये जो आप लोगों की विन यानी कि जीत जो डिसाइड होगी वो यहां पर बॉर्डर पर लड़ने से नहीं होगी। एक देश जो है वो दूसरे देश को वैसे ही बर्बाद कर सकता है साइबर वॉरफेयर के तहत से। यानी कि उस देश का हेल्थ सिस्टम बर्बाद कर दिया, उस देश की बैंकिंग सिस्टम को बेसिकली ठप कर दिया, ठीक है, उस देश में यहां पर एनर्जी सिस्टम को बर्बाद कर दिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बिल्कुल हैम्पर कर दिया, ठीक है। तो ये वाला फंडा जो है आने वाले टाइम में ये काफी ह्यूज इंपैक्ट डालने वाला है। तो हम लोगों को अपना सोचने समझने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली है। तो इसके पैटर्न पर लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा कि हम लोग को तैयार रहना है। पुराने टाइम से अगर ज्यादा दूर न जाएं आप लोग, अभी जुलाई 2016 में, मई 2017 में, जून 2017 में तो कई सारे ऐसे अटैक हमारे ऊपर देखने को मिले यूनियन बैंक के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की, कई सारी ऐसी चीजें अगर बात करें, ठीक है, तो यूनियन बैंक के अंदर बोला जाए तो यहां पर 171 मिलियन की बेसिकली बात की गई, इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिला रैंसम क्या होता है, बेसिकली फिरौती मांगना, यानी कि सामने वाले का डेटा चोरी कर लेना, सामने वाले के कंप्यूटर पर अपना अटैक करना, उसको कंट्रोल में लेना और फिर बोले कि अगर तुझे ये चाहिए कंप्यूटर तो तुमको फिरौती देनी पड़ेगी। यानी कि बच्चे को किडनैप कर लेना कि बच्चा चाहिए तो 5 लाख रुपए दे दो, वो वाली बात पुराने टाइम में देखा ना होगा आप लोगों ने मूवीज में, वही वाली बातें यहां पर। तो इस तरीके से डेटा थेफ्ट हो गया जोमेटो का, यहां पर आप लोगों ने वो देखा, ठीक है, तो ये एक तरीके से यहां पर देखने को मिली चीजें। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे इश्यूज रिसेंटली अभी निकलकर सामने आए। मुंबई के अंदर बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है उसके ऊपर अटैक किया गया, तो कई सारी ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो हमको उसी लेवल पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये वाला मुद्दा चला गया कि टैंक लेकर खड़े हो गए आप लोग सामने बॉर्डर पर लड़ोगे, या फिर पुराने टाइम पर ये चीजें होती थी। अब ये वाला फंडा है भाई साहब, इसमें आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बोला यह जा रहा है कि हम लोग को एक इस तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए कि हम लोग अपनी डिफेंस पॉलिसी भी इसी तरीके से तैयार करें, और इसी के चलते इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल को चलकर किसी ने हमारा हेल्थ सिस्टम बर्बाद कर दिया, ठीक है, एनर्जी सिस्टम बर्बाद कर दिया, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बर्बाद कर दिया, तो इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली बोलने की कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग को इस लेवल पर अब चीजों को लेकर चलना चाहिए कि हम लोग को कल को अगर ये कोई दिक्कत देखने को पड़ रही है उसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल सके। तो 21st सेंचुरी में चैलेंज भी 21st सेंचुरी जैसे ही होंगे। अगर आप लोग बाबा आदम के जमाने की चीजें लेकर चलते रहोगे तो सामने वाला पता नहीं कहां निकल जाएगा। छोटी छोटी कंट्री तक अगर बात करें, आज के डेट में श्रीलंका हो गया, ये सारी कंट्री, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये भी इन चीजों में इंपावर्ड हो रही है आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइबर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। तो इनके ऊपर हम लोग को समझना चाहिए बेसिकली। ड्रोन सैटेलाइट नया सिस्टम भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, इनके ड्रोन की तरीके से अटैक किए जा रहे हैं आज के डेट में। आप देखो तो यहां पर बायोलॉजिकल वेपन यूज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया ये बायोलॉजिकल वेपन है, तो साइबर वेयरफेयर हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया। किसी कंट्री को बर्बाद करना है, कोरोना वायरस जैसे 5-6 वायरस बना लो उस देश में छोड़ दो, ठीक है, तो हो गया काम, वो देश अपना आप ही बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा तरीका आने वाले टाइम में अब लोगों को बर्बाद करने के तरीके होंगे। तो आप लोगों को उस चीज के लिए बेसिकली अलर्ट रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, कल को कोई ऐसी दिक्कत बने तो उसका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको। तो ये बातें यहां पर बोली गई, ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को टॉपिक का जो बेसिकली जिस था वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आए तो आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन जरूर लिखेगा, जो मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें यहां पर जीएमटी के बारे में, इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, आजकल में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर 25% टैक्स लगा रखा है, ठीक है, और कोई कंपनी जो है वो यहां पर बेसिकली 1 करोड़ रुपए कमाती है, 1 करोड़ रुपए कमाती है, 100 करोड़ रुपए कमाती है, अगर 25% टैक्स देना है तो उसको 25 करोड़ रुपए टैक्स में देना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वहां से अपना बेस शिफ्ट कर ऐसी कंट्री में ले जाती है जहां पर 2% टैक्स लग रहा है, ठीक है, अब उसको 2 करोड़ रुपए टैक्स देना है। तो इसके चलते यहां पर जो कंपनी ऐसी है खासकर जो इस तरीके से टैक्स की चोरी करती है, आप लोग एक तरीके से बोला जाए तो, उसको टैकल करने के लिए 136 कंट्री यहां पर मिलकर सामने आई है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा यह बोला गया कि एक ग्लोबल लेवल पर मिनिमम कम से कम 15% टैक्स होना चाहिए।
देखिए बिना पैसे के ना गवर्नमेंट चलेगी नहीं। गवर्नमेंट के पास से पैसा कैसे आता है, आप लोग हम लोग टैक्स देते हैं तो उसके बेस पर पैसा आता है, उसी पैसे को यूज करते हैं फिर वेलफेयर के लिए। बेसिकली आप लोगों की हेल्थ की सर्विस हो गई, या फिर आप लोगों की एजुकेशन की सर्विस हो गई, या फिर आप लोगों की सड़कें बनानी होगी, रोड बनानी होगी, तो पैसा आएगा तभी तो काम चलेगा, बिना पैसे के ठप हो जाएगी सिस्टम। तो एक मिनिमम तो बेसिकली टैक्स रखना चाहिए ना कि इतना टैक्स लगे, वरना अगर मिनिमम ही टैक्स नहीं रखोगे, ये नहीं कह रहे कि 50% टैक्स दे दो आप लोग, ठीक है 15% टैक्स रखो कम से कम, और उस कंट्री में कम से कम ये कंपनी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं और जाकर अपना बेस शिफ्ट कर ले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको भी टैकल करने की बेसिकली बात की गई। तो कंट्री के द्वारा यहां पर बोला गया कि जो कंट्री एक तरीके से आज के डेट में अगर बात करें अकाउंट करते हैं 90% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। कई सारी ऐसी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कई सारी कंट्री में जो कि 90% ग्लोबल इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स का एम ये है कि जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज यानी कि एमएनसीज या फिर एमएनई है इनके ये कंपनी या फिर एंटरप्राइज है, वो प्रॉफिट शिफ्टिंग के बेस पर जो अपना बेस शिफ्ट कर देते हैं और वहां पर अपना बेस ले जाते हैं जहां पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, उसको बचाना है। तो बोला ये गया 2022 तक का हम लोग को बेसिकली इसमें अभी इसके ऊपर काम करना चाहिए और 2023 में हम लोग को इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो इंपैक्ट के बारे में बात करें तो यहां पर बेसिकली इस तरीके का अगर मिनिमम टैक्स है यहां पर प्रोविजन ऐसा कुछ आ जाता है तो टैक्स जो कंपटीशन है यहां पर देखिए गवर्नमेंट के बीच में जो फॉरेन कंट्री को अट्रैक्ट करने वाली बात रहती है ना कि हम लोग अपना कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं हमारे यहां आकर इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो वाली होड़ जो है वो खत्म हो जाएगी। अब सही तरीके से जो सही ढांचागत चीजें प्रोवाइड कराएगा उसी को चीजें देखने को मिलेगी। तो स्टॉप यहां पर बेसिकली नीड क्या है यहां पर इसके लिए, तो स्टॉप करेगा जो फाइनेंस जो एक तरीके से डाइवर्जन हो रहा है टैक्स हेवन कंट्री में जा रहे हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इसी के साथ में मोबिलाइज करेगा जो फाइनेंस रिसोर्सेज है, ठीक है, ग्लोबल टैक्स में रिफॉर्म भी यहां पर आएगा। तो ऐसा नहीं कि एक तरीके से चीजें सही पैटर्न में नहीं चलेंगी, तो सही पैटर्न में चलेंगी। चैलेंज क्या है इंप्लीमेंट करने की जब बात करें तो बोलते हैं सोवरेनिटी का हट है, भाई साहब हमारे देश में हम लोग कितना भी टैक्स लगाएं आपको होते हैं बोलने वाले, वो वाली चीजें। टाइट लाइन इतनी कर दी है बेसिकली, टाइट इतनी टाइमलाइन कर दी है 2023 में बोला इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ग्लोबल लेवल पर पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट करना है तो देखने वाली बात है। तो क्वेश्चन रहेगा कौन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जो ओईसीडी है यहां पर वो एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1961 में इसको बनाया गया था फ्रांस पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर, इंटरेस्टिंग बात है इंडिया का मेंबर भी नहीं है, ठीक है, तो इकोनॉमिक पार्टनर के तौर से हम लोग यहां पर काम करते हैं। तो हमारे पास में क्या इसका प्रतिबंध है कि हम लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, तो ये भी बातें तो इसके ऊपर यहां पर ये बेसिकली बात की गई है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आर्टिकल जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल देखने को मिला। न्यूज एनालिसिस में कई सारी बातें आप लोगों से करूंगा यहां पर। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में लखीमपुर खीरी का केस, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हम लोग इससे सेटिस्फाई नहीं है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, किसान के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का जो गाड़ी थी उसका जत्था गया और कई सारे किसानों की यहां पर डेथ होगी। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी कंसर्न दिखाया गया कि अथॉरिटी जो है ढंग से काम नहीं कर रही है, कोर्ट के सामने यहां पर चीजें ढंग से प्रस्तुत नहीं की जा रही है, तो अपने पांव पीछे खींचे जा रहे हैं, ये बातें यहां पर बोली गई। तो उसी के ऊपर ये बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया और तालिबान जो है वो आमने सामने कर बातें कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर अफगानिस्तान में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारा रहता था ना, अब अच्छे से अगर काम हो पाएगा तो काफी फायदा हमको भी देखने को मिलेगा, ये बातें की जा रही है। जहां पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, तो महाराष्ट्र की एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके द्वारा बेचा गया है, यहां पर ये पकड़ी गई है ये कंपनी। तो इसके चलते यहां पर यूरोप के अंदर जो हम लोग बोलते हैं हमने नहीं भेजा है, तो 500 टन यहां पर जो कंसाइनमेंट है यहां पर ये बेसिकली अभी भेजा गया, तो यहां पर ये सर्टिफिकेशन उसको नॉन जीएमओ का दिया गया और वैसे जीएमओ की क्रॉप भेज दी, यानी कि जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यहां पर भेज दी, ठीक है। तो यहां से हमारी बेइज्जती हो गई बेसिकली, ओके। यहां पर जो शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, उसको अभी बेल लगा है, नहीं मिल रही है। तो ये सारा केस जो चल रहा है याद रखना, यहां पर ये जो केस निकल कर आया तो यहां पर नेशनल जो यहां पर नेशनल सॉरी नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है, ठीक है, उसके द्वारा यहां पर ये केस देखने को मिला था। अरेस्ट किया गया था सेक्शन 8C जो यहां पर और 20B के तहत 27 जिसके तहत यहां पर NDPS, ठीक है, तो इसके थ्रू यहां पर काम किया गया जो कि एक्ट है 1985 का, इसको बोलते हैं नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोफिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो कई सारे लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया और होम मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आती है, ठीक है। तो याद रखेगा न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1986 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, तो ये काम करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक आईडिया आप लोग रख सकते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की बात की जा रही है हमारे देश में, मैंने अभी आप लोगों को बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसी के बारे में बेसिकली यहां पर ये चीजें, ठीक है। आज आप लोग जाकर पढ़िएगा, रिवीजन है आप लोगों का हिस्ट्री में बुद्धिज्म को, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कहां 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 पर क्या क्या चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि अब की बार तो नहीं पूछे गए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, यही पूछता है यूपीएससी हर बार बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, अब की बार फिर आएंगे, नहीं आए कर लो क्या करना है, ठीक है। तो सारी चीजें तैयार करके जाओ, ठीक है। तो यहां पर बुद्धिज्म सर्किट के बारे में बात करें तो कुशीनगर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया बेसिकली नेपाल के अंदर और यहां पर
दिल्ली के अंदर, आगरे के अंदर, लखनऊ, ठीक है। तो ये सारे जहां जहां बुद्धिज्म सर्किट है उनको कनेक्ट करके टूरिज्म को बढ़ाने की भी बात की गई, तो उसके बारे में आर्टिकल, ठीक है। तो बेसिक चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहां पर मैंने आप लोगों से बताया था, अभी यहां पर कई जगह पर काफी सारी बारिश वगैरह सब चीजें देखने को मिली, तो यहां पर अलर्ट इशू किए जाते हैं यहां पर IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन से अलर्ट होते हैं, तो ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ग्रीन का मतलब है कि एंजॉय करो मस्त तरीके से लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। येलो का मतलब होता है दिक्कतें हो रही है भाई साहब, ठीक है, हजार्स पॉसिबल है, तो बी अवेयर अगर कोई दिक्कत बनती है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट बात करें ऑरेंज के बारे में, तो कह रहा है कि मोर सर्टेन है कि रिस्क आने वाला है, तो अपने हथियार लेकर एकदम तैयार हो जाओ, और अब तो भाई साहब हो गया काम, ठीक है, आप कर लो क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर अब बचाओ अपने आपको बेसिकली जहां डैमेज हो रहा है, जो डिसरप्शन हो रहा है। तो ये चार नोटिस इशू किए जाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके चलते क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है पेंडेमिक के टाइम पर, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ध्यान से सुनना। ग्लोबल थ्रेट, ये यहां पर बेसिकली इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया, यहां पर ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जो 2021 है, यहां पर ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, तो यहां पर एक तरीके से यहां पर जिसको बोला गया है कि वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, यानी कि इसका नाम जो है यहां पर बोला गया है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। तो वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के नाम से आप लोग इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा ये बोला गया COVID-19 के टाइम पर जो है काफी लार्ज स्केल पर बच्चों का सेक्सुअल असोल्ट देखने को मिला है, घर में यहां पर जो सेक्सुअल असोल्ट यहां पर ये निकल कर आ रहा है, तो ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर देखने को मिला, ये सेक्सुअल असोल्ट जो यहां पर देखने को मिला, और घर के ही मेंबर यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो यानी कि सेक्सुअल असोल्ट जो यहां पर देखने को मिल रहा है उसमें कोई भी आप लोगों का आसपास का पड़ोसी रिश्तेदार ये यहां पर आसपास वाले, तो ये बच्चों के साथ में सेक्सुअल असोल्ट करते हैं। तो इसलिए जो पेरेंट्स है खासकर उनको, छोटे बच्चे हैं खासकर उनको लेकर सतर्क रहना चाहिए थोड़ा, कि बच्चे को किसी के ऊपर छोड़कर ना जाए कि हाँ ये इंसान उसकी देखरेख कर लेगा, ठीक है। और खासकर अगर वो बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो और भी ज्यादा सतर्क आप लोगों को हो जाना चाहिए, क्योंकि दो दो साल तीन तीन साल के बच्चों के रेप होते हैं हमारे देश में, इतनी घटिया घिनौनी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोगों को सतर्क होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि ऐसी हरकतें ना हो, वरना उस बच्चे की कोई गलती नहीं होगी और उसकी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं इन हरकतों की वजह से बर्बाद होती नजर आएगी। इसी के चलते यहां पर कई सारे ऐसे केसेस निकल कर सामने हैं। तो ये रिपोर्ट क्या है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, क्या चीजें, ये कुछ बातें हैं, ठीक है। आगे बात करें यहां पर, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर बेसिकली ये एड्रेस किया गया CBI और CBC को, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसके बारे में, तो क्या क्या बातें यहां पर बेसिकली इनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर, तो बेसिकली कई बार देखने को मिलते हैं इनके ऊपर, इनके दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको बोलते हैं पॉलिटिकल टूल की तरीके से भी यूज किया जाता है। तो CBI के बारे में तो आप लोगों को बताना है, CVC के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो 1964 में इसको बनाया गया और के सतानंद कमेटी थी जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले यहां पर जिनका नाम था नितूर श्रीनिवास राव, ये यहां पर पहले CVC यहां पर सामने निकल कर आए, यहां पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और टू विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है, ये बेसिकली जो है हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, पर लेकिन अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, कमेटी रहती है। कमेटी में कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ जो यहां पर जो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इनके होम मिनिस्टर रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर डिसाइड किया जाता है। रिमूव कैसे किया जाता है, इसको रिमूव किया जाएगा यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा, पर ओनली अगर मिसबिहेवियर करता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जब चेक कर ले उसके बेस पर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। पंजाब की पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो एक नया सितारा यहां पर अभी अमरेंद्र सिंह जो है, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, अमरेंद्र सिंह इनका, ठीक है। तो ये अभी बेसिकली मिल गए हैं जाकर इसके BJP के साथ में, ठीक है। अभी यहां पर रशिया में अगर बात करूं तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम याद रखे अलेक्सी नवाल्नी, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन जो है मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी डरते हैं इनसे, ये जो बंदा है एक ऐसा अपोजिशन का लीडर सामने निकल कर आया, जेल में पड़े रहते हैं, इनकी तबियत भी काफी खराब थी, पुतिन इनको छोड़ेगा नहीं वैसे तो लगा ऐसा कुछ रहे। तो यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनको ह्यूमन राइट का जो बेसिकली अवार्ड दिया गया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है, ये है सैकरोव प्राइज, तो यहां पर नवाल्नी साहब को यहां पर दिया गया, 45 ईयर के ओल्ड है, ये पुतिन के अपोजिट में खड़े हुए मिलते हैं हमेशा, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखते हैं। आगे बात करते हैं, एक टाइग्री रीजन है यहां पर, बेसिकली मैप में देखेंगे तो समझ पाएंगे, ये है यहां पर इथोपिया। तो इथोपिया के पास में यहां पर ये टाइग्री रीजन हो गया, एरिटेरा के पास में, तो जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, यहां पर ये हो गया रेड सी। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। ये रीजन यहां पर इसलिए न्यूज में रहता है क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है दोनों कंट्री के बीच में, और इसी रीजन के चलते जो इथोपिया के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनका नाम था एबे अहमद, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इस एरिया में शांति बनाए रखने के लिए। अब वही पर्सनैलिटी जो है इथोपियन जो गवर्नमेंट है आज के डेट में, उन्होंने UN के एड को भी यहां पर ब्लॉक कर दिया
इस रीजन में जाने के लिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि नोबेल प्राइज मिलने तक बस काम करना था, जैसे ही नोबेल प्राइज मिल गया अब हरकतें कर रहे हैं ऐसी ऐसी, ठीक है। तो कई बार ये बोलते हैं कि इनके नोबेल प्राइज वापस ले लेने चाहिए, कैसे ऐसी हरकतें करता है, तो कई सारी ऐसी बातें रहती है। चलिए जो भी है, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने लोकल जो यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है, तो रिपन साहब के द्वारा यहाँ पर रिबन काटा गया। ये हमारी कंट्री में इनका टाइम ड्यूरेशन बताइए कब से कब तक थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ओथ कौन दिलाता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट यहाँ पर ओथ दिलाते हैं अगर बात करें, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर को ओथ की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने गायत्री मंत्र के बारे में आप लोगों से पूछा, तो ऋग्वेद से यहाँ पर लिया गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बेसिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बात करें तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 31 हमारी कंट्री में अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से यहाँ पर ये रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैं आप लोगों से पूरा एक बार टॉपिक फिर से रिवाइज कर दूं, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो इसका क्वेश्चन का आप लोग फिर से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को जब कोऑपरेटिव सोसाइटी कल पूरा डिटेल में बता दूंगा एक बार, ठीक है, तो तभी इसका आंसर फिर से बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर ये भी है, आर्टिकल 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है और 20 में क्या है, तो सारा आप लोगों को जाकर देखना है। ये क्वेश्चन हो गया आज का आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन डे एक तरीके पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग में हम लोगों ने आंसर देखे, उसके हम लोगों ने यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोड भी देखी, ठीक है, फिर ओवरव्यू लिया, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जो चार ये पांच मैंने आप लोगों को ये जजमेंट बताएं जरूर बताना, ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो, डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर पसंद नहीं आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर डिटेल में मैंने समझा, फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में सारी बातें समझी, कहां से निकल कर क्या क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर होना चाहिए, ठीक है, तो सारी बातें समझ ली यहाँ पर। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में जाना, क्या क्या बातें थी हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर के बारे में पूरा आर्टिकल यहाँ पर देखा, ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। जीएम जो मिनिमम टैक्सेस के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पर। बाकी ये हम लोगों ने न्यूजीलैंड वाला पोर्शन देखा, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में जाना, आईएमडी का क्या क्या कलर कोडिंग वगैरह वो सारी चीजें समझी, एक पर्टिकुलर यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में जाना, सीबीसी के बारे में जाना, ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में जाना, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर टाइग्री रीजन और ये, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, तो बताना जरूर, अगर एंजॉय किया तो फीडबैक जरूर देना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।